अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर किसान सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान कर रहा है, जनता विपक्ष को सबक सिखाए। तस्वीर आपके सामने, 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया। आपने देखा होगा कि विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का एक इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी उन्हें। और आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से सीधे मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जाटलैंड से 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करना, वो भी उस नेता का जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, राजनीतिक संकेत इसके पीछे क्या है, क्या मायने? जी हाँ पूजा, भारतीय जनता पार्टी को यही चीज बिल्कुल सबसे अलग ले जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनाव के मूड में रहती है और वो तमाम जितने भी महापुरुष हैं उनको अपमान अपनाने में देर नहीं करती है। चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का आज उन्होंने अनावरण किया। और जाहिर सी बात है ये जाट लैंड है, क्योंकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मुरादाबाद मंडल की 6 लोकसभा सीटें हैं किसी पर भी भाजपा का कमल नहीं खिल पाया था। वजह क्योंकि मुस्लिम वोट और जाट वोट बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको साधने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री का जो निशाना था वो यही था कि जब विपक्ष की सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश में तो दंगा होता था, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जो मुजफ्फरनगर दंगा है कहीं ना कहीं उसका ही तरफ इशारा था। और अब उन्होंने कहा कि अब जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होती है। कानून व्यवस्था का जिक्र किया, अपनी लाभकारी योजनाओं का जिक्र किया, जो किसान निधि है या किसानों के लिए जो चल रही है, यानी कि कुल मिलाकर उबैदुर रहमान वहां से उसी जाट लैंड से एक संकेत देने की कोशिश इस दौरान की गई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।